ये भाई यहाँ पर खुला धांधली चल रही है इसमें ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में खुला धांधली चल रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों अभी जस्ट उठा हूँ, टाइम हुआ है वो 11:30, मतलब 40 मिनट हो गया है, लगभग 11 बजे पे करेक्ट उठा था। एक रीज़न से अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के आगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छे काम से जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और आऊँगा शायद ये जब बड़ी जो छुट्टी वाली सुई है ये शायद 6 तक आ जाए, 6-7 तक आ जाए तब शायद आऊँगा। तो अभी रेडी होने जा रहा हूँ थोड़ा सा नाश्ता पानी करके, क्योंकि फ्रेश हो चुका हूँ और बाहर चल रहा है काम। दिवाली आने वाली जैसा आप सभी लोगों को पता है, और घर में साफ सफाई सबके चलती है। ये देखो धड़ाधड़ गिरा रहे हैं, ये सब सफाई चल रही है। ओ नो, सब गर्दे गर्दा भरी है, साफ सफाई बनी हो। ये सफाई भाभी बहुत अच्छी करती हैं, इनका 7 साल है, 7 साल से सफाई बहुत बढ़िया कर रही हैं। लेटरिन बहुत अच्छा साफ करती हैं, जैसे जो गई बिल्ली वगैरह लेटरिन कर देती हैं, इस तरफ पूरी सफाई चलती हुई। यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्दा है, यहाँ पर आ गए हैं पूरी तरीके रेडी होके, ये भी पूरी तरीके से रेडी हो गए। आप लोगों को बता दूं, ये बता रहा था हम नहीं पियेंगे, ठंडी हो जाएगी। बता दूं आप लोगों को, आज है अपने सेरू भाई का CCC का पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम करने जा रहा है। हमेशा ऑनलाइन एग्जाम करवाते थे, आज इसका CCC का एग्जाम है। CCC का ना, CCC का एग्जाम आज इसका है, कहाँ, गोमती नगर में। गोमती नगर जाना है इसको लेकर के। 4 बजे से 5 बजे तक पेपर है। क्या पप्पू पास हो पाएगा पढ़ने लिखने में? ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन तैयारी पूरी करे हो? पूरी सब तैयारी। आंखें लाल ने रात भर जगे हो क्या? हाँ, पढ़े हैं ना, पढ़े ऑनलाइन एग्जाम वो CCC का, मतलब कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना कंप्यूटर के एग्जाम में, पढ़ाई दे दोगे। हाँ ये भी बात सही है। तो अभी चलते हैं सीधे गोमती नगर, और बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए इनको जरा एक बार। और हमारे लल्लन जी हैं, और जब किसी की गांव में समस्या और दिक्कत पड़ती तो यही हमारे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि हमारा भी कई बार कैमरा खराब हुआ तो हमने लल्लन से सही टेक्निकल बंदा है, देख लो हेडफोन अभी लेके आया, हेडफोन यही रख दो भैया, सुना दो इस तरफ भी। इस तरफ मेरा लुक ये नॉर्मल, मैं लोवर कहीं भी जाता हूँ लोवर ही पहनता हूँ, कंफर्टेबल अपने आप को पहले करो। अबे भाई जॉकेट नहीं ला यार, अभी भी आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओ तो हमेशा लोवर पहन के जाओ, चाहे इंडिया में जाओ चाहे विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ हमेशा एवरीडे हमेशा लोवर पहन के जाओ। मैं भी लोवर पहना हूँ क्योंकि मुझे बाहर बैठना है और उसको एग्जाम देना है। मैं वो जींस पहन के चला रहा था, मैंने उसको सजेशन दिया कि भैया 1.5 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ता है और स्ट्रेस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा थकान आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता तो एग्ज़ाम में मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगेगा तो आप कभी अच्छे से एग्ज़ाम आपका नहीं जाएगा। तो मैंने कहा लोअर पहन लो, मैं तो वैसे भी कहीं भी जाता हूँ कंफर्टेबल अपना पहले देखता हूँ, लोअर पहन लिया हूँ मैं। जूता तो ये जूता है ब्रांडेड कंपनी प्यूमा के हैं, कौन सा है यार, प्यूमा है कौन सा है, नाइकी है, हम कभी देखते ही नहीं, फ़ोन बस ले लेते हैं कभी, हम कंपनी बहुत पहले लिए थे। आप फर्स्ट टाइम इसे पहना है, जब से लिया है उसके बाद कम से कम 1 साल हो गया है, बहुत महंगा लिया था, लगभग 2700 का लिया था, अब पहना है। और उससे मैंने कहा है लोअर पहन लो, तब तक मैं जॉकेट पहन लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम अब हमारे लखनऊ इंडिया में होने लगी है ठंडी। यहाँ पर हमारे साथ लल्लू बैठा खड़ा हुआ है, और लल्लू गाना बहुत अच्छा गाता है। लल्लू गाना सुनाओ एक। वो भी तुम भी थी जो बार बार रुला के लगती थी गले मेरे, वो भी तुम भी थी जो बार बार रुला के लगती थी गले मेरे। तो इसके अलावा और कुछ है? बस इतना ही गाता है। तो निकल यहाँ से, ये देखो ये परफ्यूम लेके आया है, डाल देना अभी, डाल देना ये लोवर पहन के आगे, देख लो भाई हमने सजेशन दिया कितना अच्छा। ये देखो ये देखो, साइड में डालो जहाँ जरूरी है, मशीन भी किधर चला रहा। बस 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 इनके डाल, ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, शुक्ला जी का डालो मशीन। अरे तुम तो खत्म कर रहे हो जबरदस्ती। अबे खत्म ही नहीं हुई यार। अबे पहले उसको तोड़ा जाता है, इसे नहीं निकाला जाता है, पीछे से पहले ये क्लिप होती है, पहले तोड़ दो इसको तब जाके निकलेगा ये। आधी रास्ता आ गए हैं और ये बाल हेलमेट लगा लगा के एकदम दर्दनाक हो गए हैं, वैसे भी मुंह पे कुछ लगाया नहीं, अब यहाँ से हमको रास्ता नहीं पता है, गूगल मैप का यूज करने जा रहे हैं। बाल और दर्दनाक हो गए हैं, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, रोड बहुत ज्यादा चल रही, ये सब छू छू के निकल रहे हैं गाड़ी वाले। बिल्कुल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और है, और जब मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ से
चार किलोमीटर, तीन किलोमीटर, तीन से भी कम किलोमीटर है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इकाना का क्रिकेट स्टेडियम है। अगर टाइम मिलता है तो दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ, वो ऊपर है पीछे वो यूवी सॉल्यूशन, ये है, ये लिखा है यूवी सॉल्यूशन इंग्लिश में लिखा है। मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ यार। मेन रोड पे एग्ज़ाम दिलवा रहे हो आप, कितना गलत काम कर रहे हो। मतलब कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई बंदा देगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा शोर नॉइस मिलेगी। तो बहुत जल्दी आ गए, टाइम हुआ है, अरे यार टाइम तो अभी डेढ़ बजा है, दो बजा है, अभी ढाई आधा घंटा बाद एंट्री है, एग्ज़ाम ऊपर दूसरा चल रहा है। चलो भाई देखते हैं आसपास बैठते हैं, बैठने की भी तो कोई जगह नहीं है यार। अभी यहाँ पर आ गए हैं, ये क्या है, ये पेटीज है, इसमें क्या डलवाए हो तुम? अरे चटनी हल्की से पेटीज खाने आए नाम पेटीज, हमने तो चलो पेटीज ही खा लेते, पेट वैसे तो भरा है। पेटीज में दम है, क्या डालू चटनी है। यहाँ पर पानी के बतासे खाने जा रहे हैं, गोलगप्पा जिन्हें हम कहते हैं। तीखा बहुत है यार, मीठा खिलाओ यार, कहाँ कोई खा पाएगा यार, बहुत सारे लोग खाते हैं यार। मैं यार यहाँ पे आ गया हूँ, एक चीज बहुत अच्छी मिली कि यहाँ जो सेंटर उसके जस्ट आधा किलोमीटर दूरी पे एक पार्क है, राम कथा पार्क, मैं उसी में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे बैठने की बहुत अच्छी स्वच्छता, अगर आपको स्वच्छता देखनी है तो गोमती नगर आ जाओ, इस पार्क में आपको स्वच्छता दिखेगी। तो ये है रामकथा पार्क का गेट, और इस तरफ से तैयार होते हुए, मतलब ये तैयार, ये वहाँ तक, वहाँ पे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, आपको दिखा दूँ, वो देखो बैठे हुए हैं इस तरफ ही, वो यहाँ पर इस तरफ अगर आप जाएंगे, इस रोड को सीधे सीधे जाएंगे ये रोड, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम। घंटे की नींद मारने के बाद अभी फिर से, मतलब कि आधे घंटे की नींद मारा हूँ, आधे घंटे से थोड़ा ऊपर, एक घंटे से थोड़ा कम नींद मारा हूँ, और अभी ये भी नींद मार लिया, अभी उठा है, आँखें देखो नींद मार मार के सबकी, मतलब नींद आई नहीं लेकिन हल्की सी थोड़ा छाँ है यहाँ पे, बड़ा अच्छा मौसम है। हमारे शेरू सर को सब लोग बेस्ट ऑफ लक बोल दो, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, फेल हो जाना, और हम लोग के साथ ज़िंदगी भर हम लोग बेरोजगार रहेंगे और ऐसे ही दुनिया को इंजॉय करेंगे, कभी नौकरी वोकरी नहीं पाएंगे, इस चीज़ का हम लोग वादा करते हैं, ठीक, वादा है ना, बोल नहीं, अच्छा मौन व्रत है इसका, मौन व्रत 12 बजे के बाद मौन व्रत इसका हो जाता है, फिर बोलता नहीं है, फिर सीधे कब बोलोगे, जब अगली रात तक 12 बजे, अगली रात को बोलेगा 12 बजे, तुम बोल के बता दिए। अरे यार खुली धांधली चल रही है, मैं तो भाई रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इसकी रिपोर्ट करूँगा पक्का, एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट करूँगा। 20 रुपये आप मोबाइल जमा करने के ले रहे हो, किस चीज़ के मोबाइल, 20 रुपये मोबाइल जमा करवाने के, मोबाइल मैंने सबमिट किया 20 रुपये बंदा मांग रहा है। अरे यार थोड़ा तो मतलब धांधली कमाई करो, ये यूपी सरकार देख रही है, तो यूवी सॉल्यूशन ऑनलाइन सॉल्यूशन इसको जल्दी से जल्दी बैन करवाइए, यहाँ पे खुली धांधली चल रही है, कैंडिडेट एग्जाम देने आता है, इनको 20 रुपये मोबाइल जमा करवाने दो, मोबाइल जमा करवाने में तुम्हारी क्या मेहनत लगती जो तुम 20 रुपये मांग रहे हो, हाँ? अरे 10 रुपये तक ठीक है भाई, वो भी किस लिए, क्योंकि आप एक बंदा बाहर बैठा है वो मोबाइल जमा कर रहा है, तो 50 मोबाइल अगर जमा होते हैं तो उसका खुद का निकल आएगा 500 रुपये, लेकिन 20 रुपये अगर आप ले रहे हो तो आप लोग भी उसमें कमा रहे हो, दिन में आपका 440 का सेंटर है पूरा, दिन में 400-200 बंदे, अगर 3 शिफ्ट में होता है 500 बंदे भी, 50-100 बंदे भी आ जाते हैं, 100 × 20 2000 रुपये काम हो गया। लोग भाई खुद यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं, यहाँ पर चाय पीने आए हैं भाई साहब की दुकान पे, हम लोग खुद ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं भाई, हम लोग एक बंदे को बाहर खड़ा करते हैं बाहर, ठीक है, पहली बात तो बहुत कम पैसा लेते हैं, ठीक है, जैसे जिस टाइम पे कंपनी से पैसा नहीं आता है और जिस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है या हम लोग नहीं जमा करते हैं तो बाहर के अंकल लोग जमा कर लेते हैं, उनसे एक पैसा नहीं लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर वो लेते हैं तो 5 या 10 रुपये लेते हैं,
क्योंकि उनका वो अंकल जी का खुद का खर्चा बचता है, ऐसा हो जाता है कुछ ऐसा, तो 5-10 रुपए लो वहाँ तक ठीक है। अगर आप बाहर से एक बंदा लगाए हो, वो भी कंपनी का स्कूल का होना नहीं चाहिए, वो बाहर बंदा लगाए है, यहाँ पे लगाए हैं और 20-30 रुपए ले रहे हो, मतलब ऑनलाइन एग्जाम बंदा करने आया है। तो हमारे योगी सरकार को इस पे एक SSC आप जिसके दिए हो UV सॉल्यूशन ऑनलाइन गोमती नगर खरगापुर, ठीक है, खुला स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम में बंदों से पैसा लिया जा रहा है 30-30 रुपए, 20-20, 50-50 रुपए तक, जो बंदे असहाय हैं, गरीब हैं, ठीक है, उनसे 50-50 तक रुपए मांगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा बोल उठा तो पहले मुझसे 30 बोला 40 बोला फिर 20 पे आ गए। तो यार आप उसमें कौन सा आपका मोबाइल रख लो, उतनी देर 5 रुपए लो 10 रुपए लो उसमें बहुत, क्योंकि आप हो वहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो काम आप कर रहे हो, इसकी वजह से आपको भी बेनिफिट कुछ होना चाहिए। तो 5-10 रुपए तक लाजमी है, 20-30 रुपए 50 रुपए ये यहाँ पे गलत है भाई। ये आपके इस तरफ, आपके दादाजी आपके इस तरफ UV सॉल्यूशन खुला है, बहुत ज्यादा धांधली हो रही है इसमें, ऑनलाइन एग्जाम है हाँ, तो यहाँ पे 50 रुपए लिए जा रहे हैं मोबाइल जमा करवाने के, सिर्फ मोबाइल रख लो 20-30-50 रुपए सिर्फ मोबाइल, वो 1 घंटा रखे रहेंगे इस चीज का 50-40 रुपए मांग रहे हैं इस चीज का। मैंने वीडियो बनाया, मैं खुद ऑनलाइन एग्जाम करवाता हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैं मेरे यहाँ पर 5-10 रुपए लिए जाते हैं, वो भी अगर आपके पास नहीं है, बहुत कम लोगों से, अगर 50 कैंडिडेट दे रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई असहाय गरीब दिखता है तो हम लोग उससे पैसा नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते, कभी भी हम लोग खुद इतना सोचते हैं, अगर आपके पास है तो आप दे दो वरना कोई नहीं। वहाँ पे आप टोकन जमा कर रहे हो और उसका 17 नंबर मुझे टोकन दिया, मैंने कहा कि नहीं चाहिए मुझे भाई, ये रखो आप लोग, पता नहीं कहाँ से 20 रुपए बताओ मोबाइल रखने की यार भाई, और अंदर अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस 20 रुपए उसका, और मैंने हेलमेट रखा तो उसमें ऐड नहीं है, हेलमेट का 30 रुपए अलग से, 50 रुपए टोटल हमसे मांग रहे हैं। हमने कहा ये हेलमेट तुम इतनी देर बचाओगे, 50 रुपए तुमको हम दें। देखो भाई इनकी पैंट में चाय गिर गई, जल गई। हाँ यार चलो भाई चाय पियो, ये बिस्कुट कहे ले लिए भाई यार, इसको वापस करो। फाइनली ललित को छोड़ के वापस आ चुका हूँ, अब यहाँ पर फिर से बैठ जाता हूँ मैं, और अब यहाँ पर बहुत तगड़ी नींद, ये ऐसे मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी एक नींद मारने जा रहा हूँ, ये भाई 1 2 3 बहुत तगड़ा सोने जा रहा हूँ। और ये मैं तकिया के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा और बढ़ जाता हूँ, और तकिया ना होने की वजह से यार तो मैं भाई क्या आनंद मिल रहा है यार, वो देखो एग्जाम खत्म हो गया है। एग्जाम कैसा हुआ है? मस्त एग्जाम हुआ है, और वहाँ पर जॉकेट अपना वही भूल गया है, हमारा जॉकेट एक्चुअली पहन गया था, ठंडी लग रही थी जॉकेट नहीं भूल गया, जॉकेट मिले ना मिले पता नहीं कहाँ भूला, सीट पे भूले हो कहाँ भूले हो, अंदर यहाँ पेपर दे है, जहाँ पेपर दे रहा था वहीं पे भूल गया जॉकेट। ये है लैब के अंदर का लुक, मेरा जॉकेट भूल गया था यहीं पे। ये भाई यहाँ पर खुला धांधली चल रही है इसमें ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में, खुला धांधली चल रही है, कंधी अंधी कमाई चल रही है, लोगों से 20-20 रुपए 30-30 50-50 रुपए बैग और हेलमेट सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। SSC खुद इसको देखना चाहिए, UV सॉल्यूशन इसका नाम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, 50 रुपए आप किसी से सबमिट नहीं करवा सकते हो। हाँ एक बैग रखने का उसमें आपका क्या जा रहा है, 10 रुपए लो 5 रुपए लो, मैं पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, चलो लेना चाहिए, आप एक बंदे को दे रहे हो दो भाई। SSC से रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, प्लीज़ SSC से रिक्वेस्ट है ये धांधली बंद करें, बैग से मोबाइल वगैरह के पैसे जमा होते हैं, इसको एक मिनिमम रेट पे एक रेट फिक्स कर दें, अदरवाइज़ इस सेंटर को ब्लैकलिस्ट करें, क्योंकि सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, मैंने खुद यहाँ पर फेस किया ये प्रॉब्लम, तो यार थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए भाई। यहाँ पर हम लोग मेन रोड पे रुके हुए हैं भाई, बहुत गाड़ियाँ यहाँ चल रही, जल्दी बैठ भाई, बहुत कॉर्नर पे गाड़ी बदलने आए क्योंकि हम अब गाड़ी चल नहीं रही है। हमको आपको एक चीज़ दिखानी थी, बहुत ही खूबसूरत चीज़, आपको देख के बहुत अच्छी, लखनऊ की खूबसूरती दिखाएं आप लोगों को, रुके दिखाते हैं भाई। शाम का नज़ारा है, और ये शाम का नज़ारा है लखनऊ का, देखिए आप लोग, ये इतना खूबसूरत इसमें नहीं लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दिन हो गया है। एक नुकसान हो गया बहुत तगड़ा वाला, नुकसान ये हो गया है कि मेरा आधार कार्ड मेरी पॉकेट से ही गिर गया है, आधार कार्ड मेरा था और एक आध और डॉक्यूमेंट था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था और एक आध और पुराने डॉक्यूमेंट थे, काफ़ी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट थे, गिर गए पता नहीं कहाँ, पॉकेट में मैंने रखे थे, मेरी पॉकेट पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पैसा है सब कुछ है, आधार कार्ड ओरिजिनल था यार, गायब हो गया। अपनी एरिया में ये रही हमारी एरिया भाई, हमको डर और शर्म लगता नहीं है कभी भी,
कहीं पर भी मुझे डर शर्म कभी नहीं लगा, इतनी गाड़ियां साथ में, आगे पीछे आदमी इतना टहल रहा है। भारत माता की। एक बार फिर से आ गए यहाँ पर रोड पे, भारत माता की, भारत माता की जय। हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, रोड दर रोड भारत माता की जय करते, बाबा भारत माता की जय, ये चलते हम। डर और शर्म नहीं, भारत के वासी हैं, डर किस चीज की, हर इंसान हम, लेकिन जितने इतना तो भरोसा मानना पड़ेगा, हम जितने बार चिल्ला रहे भारत माता की, पीछे से भीड़ में चिल्लाए थे, सब लोगों ने बोला था जय। एक तो है जो नहीं बोलते हैं क्योंकि वो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, भारत माता की जय, पीछे से भी आवाज, हर तरफ से आवाज, डर शर्म किस बात की, भारत माता की जय, वो तो पीछे से भी आवाज। फाइनली घर वापस आ गए हैं और भारत प्रेमी हम, भारत माता की जय। हम आज जितनों से पता है, हम रोड रोड पे जाकर के लोगों से भारत माता की जय कह रहे थे, सब लोग जय कह रहे थे, अभी तुमको वीडियो दिखाएंगे। घर आ गया हूँ और अभी जा रहा हूँ एक पार्टी में। पार्टी में किसकी किसकी पार्टी में क्या है आज, किसका बर्थडे है? बंकू दादा का। हाँ, बंकू दादा का इसके बर्थडे है। हमारे गुरु जी के लड़के का बर्थडे है, वहाँ पे भी जाना है। गुरु जी ने फोन किया था और हमारा मुंह अब दुख रहा है, तुम हट जाओ यहाँ से। पर हम लोग पूरी तरीके से बोल रहा हूँ, तरीके से रेडी हो गया हूँ और ये थोड़ा सा रेडी हुआ हूँ। और गिफ्ट में हम लोग ऐसा गिफ्ट लेके जा रहे हैं जो पैक भी है और पता भी चल रहा है कि क्या गिफ्ट है। ये पहला ऐसा गिफ्ट है, आप लोग समझ गए होंगे क्या है इसमें। हम लोग बंकू को केदार जाधव बनाएंगे, इसकी वजह से हम लोग ये पहने हैं। बंकू को हम लोग केदार जाधव बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो? जाधव बनाएंगे। चेन्नई को हर मैच, अपने यूपी को हर मैच हराएगा। ये भी तैयार है पार्टी में। पार्टी में चलोगे, क्या क्या खाओगे? अरे पार्टी में चल के बताएंगे। पार्टी में चल के बताओगे क्यों? तुम तो रेडी बड़ा अच्छा हो भाई, ये भी बड़ा तगड़ा रेडी है। और हम तीन लोग जाते हुए भी, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं सीधे एंजॉय करते हैं और सीधे फिर आते हैं घर पे। मैच हो गया स्टार्ट, अगर काफी बेस्ट मैच आ रहा है आज यार। मेरे हिसाब से आरसीबी विन करेगी, बिकॉज दो विकेट गिर गए फिर भी, क्योंकि आरसीबी यार फर्स्ट टाइम जा रही है प्लेऑफ, फाइनल में जाएगी, फाइनल में हार चुकी है, इस बार ट्रॉफी आरसीबी ले जाएगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों आज के साथ इसी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, वहां पे एंजॉय करेंगे और वापस आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।